जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे सभागार में क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप द्वारा बीडीसी मेंबरों की बैठक की गई। बैठक में वीडियो श्रद्धा गुप्ता ने बताया कि हर दूसरे दिन सचिव की गांव में उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि विकास के कार्यों पर नजर रहेगी। पशुपालन विभाग द्वारा बताया गया कि इस समय पशुओं में बीमारी चल रही है, जिससे बचने के लिए पशुओं को टीकाकरण कराना जरूरी है। बीडीसी मेंबरों द्वारा बताया गया कि गांव के अंदर बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग व राशन डीलरों की शिकायत की गई। मौके पर बैठे डॉक्टर नवदीप यादव ने कहा कि जल्द से जल्द समस्याओं को निपटा दिया जाएगा। अगर कोई अधिकारी काम में लापरवाही करता है तब उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। भीतखेड़ा बिजली विभाग की शिकायत पर ग्रामीणों ने कहा कि बिजली की लाइट सही करने के 200 रुपए मांगे जाते हैं। वहीं बिजली विभाग एसडीओ ने कहा कि अगर ऐसा कोई करता है तब उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्र पंचायत समिति की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया था और जो भी उनके द्वारा समस्याएं बताई गई हैं, पूर्ति विभाग को लेके अक्सर शिकायतें रहती हैं सामान्य सदस्यों की, और सचिवों के प्रति भी थोड़ा सा आक्रोश है कि गांव में वो नहीं जा रहे हैं रोस्टर के अनुसार, और जो भी पूर्ति विभाग से और बिजली विभाग से संबंधित शिकायतें थी, मुख्यतः एक चकबंदी विभाग की शिकायत भी आई है। जो चकबंदी हमारे ब्लॉक में चल रही है तो वहाँ भी लोगों को, जो हमारे किसान हैं, उनका शोषण किया जा रहा है पैसे ले देकर। जो जैसा आरोप लगाया किसानों ने, बताया कि कभी चक इधर कर देते हैं कभी उधर किया जा रहा है, तो ये इस तरह की मुख्यतः समस्याएं चकबंदी पूर्ति विभाग बिजली विभाग की समस्याएं थी, वो सुना गया है, उनका निस्तारण समय अंतर्गत किया जाएगा। उच्च अधिकारी को भी उसके लिए लिखा जाएगा। कहीं ना कहीं जो समस्याएं थी वो लोग अधिकारियों से भी लिप्त पाई जा रही है, तो अगर कोई सबसे पाई जाएगी तो अधिकारियों को पर भी जांच की रिपोर्ट साहब क्या कहा जाए। बिल्कुल, जो जैसा हमारे सम्मानित सदस्यों ने बताया कि जो सचिव हैं और जो एडीओज हैं वो अपने उनकी नहीं सुन रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, तो निसंदेह उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मीडिया के माध्यम से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप अगर क्षेत्र में इस तरह की आपको भी कोई समस्याएं ब्लॉक से संबंधित मिलती हैं तो वो भी आप संज्ञान में लाएं, उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई करवाई जाएगी। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक बैठक आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय के द्वारा की गई थी। यह बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होने का नियम है, तो इस वर्ष की ये मतलब माननीय ब्लॉक प्रमुख जी के कार्यकाल की ये तीसरी क्षेत्र पंचायत की बैठक थी, जिसमें कि विकास खंड के समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों एवं विकास खंड स्तर के अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा उनके क्षेत्र के जो भी समस्याएँ थीं, जो मुद्दे थे, उन्हें वहाँ पर रखा गया और उन्हें पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कुछ शिकायतें भी आई थी, क्या शिकायतों का हल निकाला गया है, जो शिकायतें रह चुकी हैं किस तरह का कार्य किया जा रहा है? प्रमुख शिकायतें बिजली विभाग के संबंध में थीं। बिजली विभाग से एसडीओ उपस्थित थे, उनके संज्ञान में सारी चीज़ें लाई गई हैं, उनकी ओर से पूरा आश्वासन दिया गया है कि वे संबंधित शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराएंगे।